तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो फाइनली आपके सामने एक निशान की रुवान लाया हूँ, NV 350 2019 का मॉडल है। तो इसका इवेपोरेटर कॉइल ना लीकेज हो चुका है, तो इस वजह से मैं इसका इवेपोरेटर कॉइल रिप्लेस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें दिखाऊंगा कि इसका डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा या नहीं खोलना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आप खुद डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ये जो है फ्यूज बॉक्स का ये वाला चीज़ें खोल दूंगा, मैं खोल देता हूँ। तो इसको खोलने से पहले मेरे को ये वाला खोलना पड़ेगा। तो ये खोलने के बाद नीचे स्क्रू रहेगा, ये स्क्रू खोलता हूँ मैं, फिर इसको निकालता हूँ। तो फाइनली ये निकाल दिया हूँ। अब नीचे स्क्रू यहाँ से तो दिख नहीं रही मेरे को, तो इसमें एक ही स्क्रू दिया है, बाकी और स्क्रू दिया नहीं है। ये स्क्रू खोलने के बाद बाकी इधर लॉक में रहता है, तो जैसे खींचेंगे इसको बाहर निकल जाएगा ये। एक बार निकल चुका है, इसमें 3 सॉकेट है, ये सब सॉकेट में निकाल रहा हूँ। और गाइस सबसे पहले आप गाड़ी का अंदर का ये देख लीजिए, देख पा रहे हैं कितनी बड़ी गाड़ी है। और यहाँ पे रियर एसी दिया है इसका, यहाँ पे इवेपोरेटर कॉइल है इसका, जैसे हाईएस्ट में दिया हुआ है न्यू मॉडल वाला में, वैसे ही इसमें भी दिया हुआ है निशान की अरवान में। और NV 350 है ये, 2019 का मॉडल है। तो चलो फिर मैं इसका, आप खुद डिसाइड करेंगे कि इसका डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप ये कमेंट में मत लिखना कि भाई इसका तो ऐसे खुल जाता, ये खुल जाता, वो खुल जाता, ये मत पूछना। आप खुद देख लीजिए, मैं खोलते जा रहा हूँ, तो नीचे से आप देख लीजिएगा कि खोलना पड़ेगा या नहीं खोलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं निकालता हूँ पहले, फिर ये नीचे का पोर्शन दिखेगा अपने को। तो सबसे पहले मैं अंदर का देखने के लिए, तो ऊपर का तो खोलना ही पड़ेगा, तो इस वजह से मैं इसका खोल रहा हूँ ये सब। तो चलो ये सब सॉकेट है, ये सब सॉकेट बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली सॉकेट निकल गया है, इसको पीछे बंद कर देता हूँ। अब ये चीज़ें खोलने के लिए आ जाता हूँ इधर। इधर क्या क्या दिया है, मीटर बाहर रख लेता हूँ। ये क्या है कुछ, तो चलो सबसे पहले इसको निकाल देता हूँ मैं। इसको निकालने के बाद, तो फाइनली ये निकालने से पहले ना अपने को ये वाला निकालना पड़ेगा। इसमें 2 क्लिप रहेगी, एक ये साइड देख पा रहे क्लिप और एक ये साइड क्लिप रहेगा अंदर ये। तो ये क्लिप खोलने के बाद पहले इसको निकालता हूँ मैं। निकालने के बाद इसमें शायद क्या, आई थिंक कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा नीचे। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं, और सामने एक स्क्रू तो यहाँ दिख ही रहा है, तो चलो फिर इसको पहले सबसे पहले निकाल देता हूँ मैं। तो फाइनली दोनों साइड का क्लिप निकाल दिया हूँ, उसके बाद इसको आगे खींचेंगे। निकल गया ये, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं नीचे कुछ दिया है या नहीं दिया है। तो देख पा रहे हैं यहाँ भी एक क्लिप है, ये रही क्लिप, और इधर भी रहेगा एक क्लिप। नहीं, इधर तो नहीं दिख रहा है क्लिप, एक ही क्लिप दिया है। तो चलो फिर इसको मैं खोलता हूँ, उसके बाद इसको निकालता हूँ। तो फाइनली यहाँ का स्क्रू और क्लिप निकालने के बाद अपना इजीली इसको खोलना चाहे तो आप, नहीं खोल रहा है, खोल भी सकते हैं, खुल जाएगा, थोड़ा तकलीफ होगा। उसके बाद ये देख पा रहे निकल गया इधर का सेटअप, बस एक लाइटर की सॉकेट और एक ये लाइट का सॉकेट है, ये इस यहीं से निकल गया। तो चलो इस दोनों को मैं निकालता हूँ। तो फाइनली ये दोनों सॉकेट निकाल दिया हूँ, अब इसको पीछे निकाल लेता हूँ इजीली। और कुछ तो नहीं लग रहा है, देख लेते हैं नीचे से, नहीं और कुछ नहीं है। तो अब आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो दिखेगा, तो अभी भी पूरा फुल कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि डैशबोर्ड खोलना ही पड़ेगा।
तो चलो कंट्रोल पैनल निकाल देता हूँ। 1 2 3 4 एलिंग की दी है, चारों एलिंग की खोलता हूँ मैं। तो फाइनली चारों स्क्रू खोल चुका हूँ मैं। अब ये इससे पहले मेरे को ये वाला लॉक निकालना पड़ेगा, ये आउटसाइड ईयर का। तो इसे भी खींचेंगे निकल जाएगा, तो निकल चुका। इसके बाद एक सॉकेट ये दी है, सॉकेट निकालता हूँ मैं। तो फाइनली सॉकेट भी निकल चुका। अब अपने को फिर इसके अंदर की एलिंग की खोलनी पड़ेगी स्क्रू कंट्रोल पैनल में। 1 2 1 3 1 4 दिया है, तो चारों खोलता हूँ मैं टोटल। तो फाइनली चारों स्क्रू खोलने के बाद इसको अंदर ढकेलता हूँ, तो ये अंदर आसानी से चला जा रहा है। तो इसको निकाल भी सकते हैं, एक मिनट दिखा देता हूँ, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते इसको। हाँ, यहाँ से नहीं तो वहाँ से निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये निकलने वाला सिस्टम है केबल, इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं तो अभी इसको यहाँ से नहीं निकालूँगा, निकालूँगा तो वहीं से निकालूँगा, क्योंकि इधर से अच्छा है उधर निकालना अपने को, उधर से। तो चलो अब यहाँ से तो अभी देख पा रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट तो दिख रहा है, लेकिन बट पूरा क्लियर ही नहीं दिख रहा है कि किस तरीके का दिया हुआ है। तो मैं ज़रा इधर का ग्लो बॉक्स का पूरा ये कवर खोलता हूँ। एक दो स्क्रू दिया हुआ रहेगा कि ये, और एक उधर और नीचे रहेगा दो। खोलने के बाद ये निकालता हूँ, तो निकालूंगा तो पूरा क्लियर ही दिख जाएगा अपने को सामने क्या फंडा है। तो चलो उस साइड चलता हूँ मैं, उस साइड चल के दिखाता हूँ। तो फाइनली इस साइड आ गया हूँ मैं। एक स्क्रू यहाँ देख रहे हैं, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, टोटल 4 स्क्रू। और उसके बाद ये साइड का पैनल निकाल करके इधर की लॉक को निकालना पड़ेगा। तो गाइस इसमें देख पा रहे जगह कितना छोटी दिया हुआ है, देख पा रहे ड्राइवर साइड की तरफ भी काफ़ी छोटी जगह इसमें रहती है, कोई ख़ास जगह नहीं रहता है, पैर भी इजीली आप यहाँ नहीं रख सकते हैं। डैशबोर्ड खोलना तो कितना दिक्कत की काम है, इसका तो आपको मालूम ही होगा। मालूम ये हो गया कि यहाँ पर पैर रखने की जगह ही नहीं मिल रही अपने को, बिल्कुल कम्फर्टेबल जगह है, यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, सिर्फ अपन बैठ सकते हैं यहाँ पैर रख करके। बाकी इसको पैर रख करके अगर आगे पीछे होना चाहे तो नहीं हो सकते, यहाँ का सीट भी आगे पीछे नहीं कर सकते। पैसेंजर साइड सिर्फ ड्राइवर साइड के सीट को कम एडजस्ट करने के लिए दिया है, बाकी पैसेंजर साइड में नहीं दिया है। तो चलो यार मैं फाइनली अपना काम करते हैं, ये सॉरी 5 स्क्रू खोलता हूँ। एक ये एक या बीच वाला भूल गया था मैं, 5 स्क्रू खोलने के बाद तो फाइनली स्क्रू खोल दिया हूँ। टोटल स्क्रू खोलना पड़ा कितना अपने को, 1 स्क्रू यहाँ, उसके बाद 1 स्क्रू यहाँ का, 2, एक ये 3, एक ये 4, और एक ये 5, और ये 2 यहाँ, 7, और ये 8, और एक ये 9, और कहीं नहीं है। टोटल 9 स्क्रू खोलना पड़ा अपने को। तो अब ये 9 स्क्रू खोलने के बाद ये निकल जाएगा। देख पा रहे निकल चुका, इसको पीछे रख देता हूँ मैं। अब यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट देख सकते हैं इजीली आप। देख पा रहे हैं अंदर तो जगह तो बहुत दिख रही है, क्या खुलेगा या नहीं खुलेगा। ऐसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है खुलेगा या नहीं खुलेगा।
ये चीज़ें अगर खोल देंगे या फिर ऊपर का डैशबोर्ड निकाल देंगे तो नीचे से चांस है कि निकल जाएगा, तो डैशबोर्ड में निकाल ही देता हूँ। और डैशबोर्ड में कुछ तो रहा नहीं, बचा नहीं, तो डैशबोर्ड निकाल ही देता हूँ और उसके बाद नीचे से क्लाइमेट कंट्रोल को नीचे ले सकते हैं शायद, तो डैशबोर्ड निकालना ही पड़ेगा मेरे को इसके लिए। तो अब पहले इस साइड का सब क्लियर ही कर देते हैं। तो इस साइड क्या क्या क्लियर करना पड़ेगा अपने को, इस साइड ये खोल देता हूँ, यहाँ 10 नंबर रहेगा आई थिंक, 10 नंबर 8 नंबर स्क्रू कुछ तो रहेगा, यहाँ 10 नंबर दिए हैं। तो चलो मैं इस साइड का ये पैनल, ये एयरबैग का, ये सब खोलता हूँ। तो जैसे ये लॉक निकालेंगे, यहाँ 10 नंबर दिया हुआ रहेगा, तो 10 नंबर दोनों खोल देने का। वो खोलने के बाद एक स्क्रू, दो स्क्रू, 18 स्क्रू, 18 स्क्रू, 4 स्क्रू, ये सब स्क्रू खोल देने का। और एयरबैग का ये देख पा रहे हैं 12 नंबर खोल देने का, उसके बाद ये आगे का 10 नंबर खोल देने का, उसके बाद उस साइड रहेगा डायरेक्ट। तो चलो मैं ये सब खोलता हूँ। तो फाइनली इधर का 10 नंबर खोल के, हैंडल खोल के पैनल खोल दिया हूँ, और ये स्क्रू यहाँ सामने दिख रहा है अपने को, ये वाली, और ये 10 नंबर नीचे का सब तो खोल दिया हूँ। उसके बाद जो है एयरबैग का दोनों 12 नंबर खोल दिया हूँ हैंडल का, और ये एयरबैग को आप बाहर भी निकाल सकते हैं इजीली, यहाँ से इसको, यहाँ से ये खोलने के बाद सॉकेट निकालने के बाद ये इसको ऊपर ढकेलेंगे ना तो ये निकल जाता है एयरबैग, देख पा रहे हैं निकल चुका है, ये निकालेंगे तो आपकी मर्जी, ये क्योंकि निकल जाता है। तो उसके बाद अब यहाँ से भी जगह देख सकते हैं आपको कंफर्टेबल कितना दिख रहा है। तो अब आ जाइए आप नीचे, केबल तो खोलेंगे नहीं अभी, रहने दो क्योंकि बाद में देखेंगे उसको, केबल निकालना रहा तो निकालेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपने अपने को डैशबोर्ड निकालना है पहले। तो इस साइड का तो सब खुल गया, बस ये दोनों 10 नंबर, एक 10 नंबर और एक शुरू खुलना बाकी है, ये खुल के फिर मैं उस साइड चलता हूँ। तो चलो फिर ये दोनों खुल के उस साइड चलते हैं अपन। तो फाइनली उधर का तो सब खोल दिया हूँ, अब उसके बाद एक स्क्रू है और एक स्क्रू है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा अंदर। उसके बाद आ जाइए आप इधर का, दोनों 10 नंबर तो खोल दिया हूँ, ये चीज़ें निकल जाएगा ऐसे ही खींच के। उसके बाद यहाँ पे रहेगा एक 10 नंबर, एक स्क्रू इधर, ये खोलता हूँ। उसके बाद मीटर खोलना पड़ेगा मेरे को, मीटर का ऊपर का कवर, माइनस स्क्रूडाइवर से कटाएंगे या फिर माइनस स्क्रूडाइवर से कटाएंगे तभी ये निकलेगा। तो चलो पहले मैं इधर का निकाल देता हूँ, स्क्रू खोल देता हूँ। तो फाइनली इधर का सब खुल चुका अपना, अब इधर आपको सबसे पहले ये मीटर निकाल देता हूँ, क्योंकि मीटर निकालेंगे तो डैशबोर्ड निकालूंगा तो मीटर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ स्क्रू दिया हुआ ही रहता है। ये रही इधर का, और ये रही इधर का लॉक, चल चुका है। तो अब अपना मीटर इजीली बाहर निकल जाएगा, सीट को पूरा नीचे ले ले, स्टीयरिंग को। देख पा रहे हैं आ चुका। उसके बाद इसमें एक स्क्रू ऊपर, एक ये, दो तीन टोटल स्क्रू दिया है। तो उससे पहले अपने को टेप भी निकालना पड़ेगा, तो टेप निकालने के लिए अपने को माइनस स्क्रू ड्राइवर का सहारा लेना पड़ेगा इधर से। ऐसे ऐसे करके निकालते आना है अपने को।
निकल चुका है। अब इसमें एक दो चार स्क्रू दिया, ये चारों स्क्रू खोलता हूँ, इसका तीन स्क्रू खोलता हूँ, मीटर निकालता हूँ, टेप निकालता हूँ मैं। फाइनली इसका तीन स्क्रू खोल के मीटर निकाल दिया हूँ, देख पा रहे हैं इसमें तीन सॉकेट है, एक दो तीन। इसको पीछे होल्ड करता हूँ, ये रही तीनों सॉकेट। यहाँ पे सामने एक स्क्रू है तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। तो फाइनली अब टेप में आ जाते हैं। तो चारों स्क्रू खोल दिया हूँ, दो इस साइड का दो इस साइड का। ये इसको खींचेंगे, इसको निकालना भी एक टेक्निक ही है। ये लॉक निकलेगा यहाँ का, तभी जा करके ये टेप निकलेगा यहाँ से। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ, क्योंकि ये लॉक जो है ना दबाना पड़ेगा मेरे को। तो फाइनली निकल चुका है। अब इसमें कुछ सॉकेटें रहेगी, एक सॉकेट ये, एक सॉकेट ये, दो सॉकेट ये निकालता हूँ। और यहाँ सामने तो कोई स्क्रू दिख नहीं रहा मेरे को, बस एक मीटर के नीचे स्क्रू दिया है। तो ये खोल के फिर डैशबोर्ड को हिला के दिखाता हूँ मैं कि हिलता है कि नहीं हिलता है। तो गाइस फाइनली अपना डैशबोर्ड अब निकलने को आ गया, देख पा रहा निकल जाएगा अब। तो चलो फिर इसको मैं निकालता हूँ, निकाल के फिर आगे क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट में लेके चलता हूँ। क्या एंगल खोलना पड़ेगा या नहीं खोलना पड़ेगा इसको। मैं खोलते खोलते डैशबोर्ड तो खोल चुका हूँ, अब आगे देखते हैं क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट खोलने के लिए अपने को एंगल या पहाड़ निकालना पड़ता है या फिर उधर ही काम हो जाएगा अपना। तो चलो निकालते हैं इसको, फिर देखते हैं आगे क्या है नहीं है फंडा। तो गाइस देख पा रहे हैं डैशबोर्ड यहाँ के अटक चुका है, ये डैशबोर्ड यहाँ से निकल नहीं रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ के अटक गया है। तो मेरे को स्टीयरिंग को ना थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, दो 12 नंबर बोल्ट हैं, ये खोलूँगा, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, अपना डैशबोर्ड बाहर आ जाएगा। तो चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, ये 12 नंबर बोल्ट खोलूँगा तो ये जैसा करके थोड़ा नीचे आ जाएगा तो अपना डैशबोर्ड निकल जाएगा। तो चलो मैं काम चालू कर देता हूँ और डैशबोर्ड निकाल के फिर फाइनली आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली डैशबोर्ड निकाल चुका हूँ, देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले पहाड़ साइड से अपन देख सकते हैं, बाहर साइड से देखते हैं। और इसका बोनेट नहीं रहता है, एक कवर दिया हुआ रहता है बोनेट के लिए, हैरान मत होना आप। ये रही कवर, और बाहर से बस मैं यही दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसका इवापोरेटर कॉइल फिट है। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं के साइड से निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका इवापोरेटर कॉइल ये देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा नीचे पोजीशन में दिया हुआ है, ये हीटर और इवापोरेटर। तो अब चलते हैं देखते हैं अंदर का फंक्शन को। तो आई थिंक ये सब खोलूंगा तभी समझ में आएगा फंडा। तो ये सब मैं कंट्रोल पैनल वगैरह खोलता हूँ, सब सॉकेट वगैरह निकालता हूँ, अलग करता हूँ, फिर फंडा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं जो है ना इसका ब्लोअर का सेटअप निकालूंगा, क्योंकि तो ब्लोअर का सेटअप जो है ना यहाँ पे इजीली खुल जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इस सेटअप को निकाल देता हूँ, फिर आगे ये सब क्लीन करता हूँ, बोले तो ये फ्लैप निकालता हूँ, लेग मड वाला वायर वगैरह क्लियर करता हूँ। तो फिर अपने को सामने से दिख जाएगा कि भाई क्या खोलना पड़ेगा नहीं खोलना पड़ेगा। तो चलो अपन खोलने के लिए स्टार्ट करते हैं ब्लोअर सेटअप को। और इसका वाइपर मोटर देखिए सामने ही दिया हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक एक रॉड दिया लंबी वाली, ये वाली। तो चलो फिर अपन खोलते हैं। तो गाइज मैं ये ब्लोअर का सेटअप खोलने जा रहा हूँ, लेकिन खोल दिया हूँ सब बोल्ट, लेकिन निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसको जो नीचे से है ना, नीचे के आउटसाइड ईयर में ना, इधर से आउटसाइड ईयर इन करता है,
तो उधर नीचे से बोल्ट है या फिर क्या है, यहाँ से फंडा समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से मैं इसका इतना ये करने जाऊंगा नहीं, इधर बाहर दिमाग लगाऊंगा जब तक, अब तक मेरा एंगल खुल के क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकल चुका होगा। तो इसको मैं फाइनली जा रहा हूँ इसका एंगल खोलने के लिए, क्योंकि एंगल खोलेंगे अपना काम इजीली हो जाएगा, क्योंकि एंगल भी कुछ खोलना हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे गियर बॉक्स का बोल्ट खोलना है और हैंड ब्रेक का कुछ बोल्ट खोलना है, हैंड ब्रेक का शायद के नहीं शायद, और एक इधर इधर बोल्ट दिया है 12 नंबर रहेगा एक इधर बस, और उस साइड जा कर के खोलना है इससे स्टेयरिंग को नीचे करूँ या फिर स्टेयरिंग को साथ में निकालूँ। तो मैं एंगल निकाल दूंगा और ये इजीली अपना सामने दिख जाएगा। तो चलो मैं एंगल ही निकालने लग जाता हूँ, क्योंकि इधर नीचे से जितना माइंड लगाने जाऊँगा ना, गाड़ी भी बड़ी गाड़ी है और नीचे लेटे हो तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, और कुछ बहुत सारा फंडा है, उससे अच्छा एंगल ही निकाल देता हूँ मैं। तो चलो एंगल निकाल देते हैं फाइनली। तो फाइनली ये सब सॉकेट खोलना पड़ा अपने को, यहाँ की सॉकेट स्टेयरिंग का, यहाँ से 12 नंबर खोल के अलग करना पड़ा, और ये वाली सॉकेट स्टेयरिंग का, ये स्विच का इग्निशन स्विच का खोलना पड़ा, ये सब तो पहले का खुला हुआ, और साइड का तीनों, इस साइड 13 नंबर दिया है, उस साइड 2 दिया है। तो अपना अपना जो है ना एंगल निकल जाएगा, तो इधर से तो लॉक से निकल चुका है, देख पा रहे लॉक से निकल चुका है यहाँ से, लेकिन बट उधर का भी लॉक निकालना पड़ेगा अपने को, तभी जाकर ये बाहर आएगा। तो चलो फिर उधर का लॉक निकाल के मैं बाहर निकालता हूँ इसको। तो गाइस फाइनली अपन जो देख पा रहे हैं, आप अपन सब इसका खोल दिया, एंगल वगैरह सब निकाल दिया हूँ। अब जो है ये जो निकल नहीं रहा था, क्यों नहीं निकल रहा था, ये बाद में निकलेगा, सबसे पहले जो है ना यूनिट निकलेगा, ये इवेपोरेटर और हीटर वाला जो है यूनिट निकलेगा, उसके बाद जा कर के ये निकलेगा। देख पा रहे हैं इसको खींच रहा हूँ मैं, तो इसको एक जगह प्रॉपर फिक्स है, इस वजह से ये निकल नहीं रहा है। तो पहले ये निकलेगा फिर वो निकलेगा। तो अब मेरे को इधर से खोलने की क्या क्या ज़रूरतें हैं, एक 10 नंबर इधर दिया है तो, और एक 10 नंबर इधर है, और उसके बाद जो है नीचे जो है ना वहाँ से जहाँ मैं बाहर आपको दिखाया था एक्सपेंशन वाल का जॉइंट वो खोलता हूँ, और हीटर का पाइप दोनों निकालता हूँ, फिर ये दोनों बोल्ट खोल के निकालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ निकलता है या नहीं निकलता है, या फिर दूसरा कुछ अड़चन करता है अपने को। तो चलो ट्राई करते हैं अपन पहले। तो गाइज फाइनली अंदर से तीनों 2 10 नंबर खोल दिया हूँ, लेकिन 2 10 नंबर खोलने के बाद आप इसको हिलाएंगे तो भी नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि इसको बाहर से ना 3 नट दिया हुआ रहता है, जहाँ पे एक्सपेंशन वाल और हीटर का पाइप का जॉइंट रहता है, 3 बोल्ट दिया हुआ रहता है, नट दिया हुआ रहता है, वो खोलने के बाद फिर ये इजीली खुल जाएगा। तो जरा मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ और वो बोल्ट का लोकेशन भी दिखा देता हूँ, बोल्ट कहाँ पर है। मैं ये पाइप निकाला नहीं था भाई, वाटर पाइप यानी ड्रेनेज पाइप, तो निकल चुका है अभी। तो गाइस बहुत से भाइयों को कैसा लगता है कि अरे इसका तो डैशबोर्ड खोलने की जरूरत नहीं थी भाई, ऐसे ही निकल जाता है ऑपरेटर, वैसे ही निकल जाता। बहुत से भाई बहुत सारे कमेंट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गाड़ी इजी दिखता है, ये तो बगैर डैशबोर्ड खुली खुल जाता है ये नीचे से। तो आप खुद अनुमान लगाइए, ये यहाँ लगाने के बाद अब क्या चीज़ खोलेंगे जो इसका डैशबोर्ड का जो ये क्या बोलते हैं इवेपोरेटर आप यहाँ से निकाल देंगे। आप देख रहे हैं इवेपोरेटर कितना अंदर है, ये पीछे खोलना पड़ेगा ये सब, तब जा कर के ये निकलेगा सेटअप इसका। और ये ब्लोड का सेटअप तो आप यहाँ से खोल ही नहीं सकते पहले, जो कि आप उधर हाथ डाल सकते हैं अंदर कुछ करने के लिए। तो देख पा रहे कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ तक पहुँचना पड़ा मेरे को। मैं भी सोचता हूँ इजी हो जाए काम तो अच्छा है, बेटर है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं भाई टाइम लगाते रहो काम में, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो फिर इसको मैं बाहर लेता हूँ और इवेपोरेटर खोलता हूँ, खोल के न्यू इसमें डालता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, और देख पा रहे मट्टी वगैरह कितना भाड़ा पड़ा है। तो चलो इसको मैं बाहर लेता हूँ, बाहर लेने के बाद फिर आगे दिखाता हूँ। वो 3 बोल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ नट,
ये देख पा रहे हैं, एक एक ये वाली ये बैठा नहीं बड़ा बड़ा, एक ये दो, एक ये तीन, ये बाहर से लगा हुआ रहता है तो ये नहीं खोलेंगे तो आप इसको हिलाते रहेंगे, निकलेगा ही नहीं। तो चलो फिर मैं फाइनली इसको बाहर लेता हूँ। तो फाइनली ये निकल चुका है अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, निकल चुका है। अब ये रही क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, तो चलो इसको मैं खोलता हूँ। इवेपोरेटर कॉइल वाला पोर्शन खोलता हूँ, इधर दिया हुआ है, तो चलो मैं इसको खोलता हूँ। क्या खोलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा मेरे को, ये वाला अलग करना पड़ेगा, तो चलो खोलता हूँ। तो फाइनली अपने को हीटर का पाइप, सिर्फ पाइप खोलना पड़ा ये, इसमें ये वाली लॉक दिया हुआ रहता है। निशान की गाड़ी और इस स्कोडा की गाड़ी में ज़्यादातर ये लॉक देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ें निकाल लिया मैं यहाँ से। और उसके बाद ये इसको खोल लिया, खोलने के बाद अपना इवेपोरेटर कॉइल निकल गया। देख पा रहे हैं इवेपोरेटर कॉइल की कंडीशन, सेंसर निकाल लेता हूँ। निकल नहीं रहा है जल्दी, दबा हुआ है इसमें। देख पा रहे कॉइल पूरा सड़ चुका है, तो जरा ये देख पा रहे पूरा ऑयल ऑयल इधर आ चुका है, तो जरा नया वाला दिखाता हूँ मैं आपको पहले। तो गाइस ये आप कमेंट करके बताना ये पार्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट पार्ट है, क्योंकि डब्बे में तो आपको लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ। डब्बे में देख पा रहा हूँ निशान ग्रुप जेनियन पार्ट्स, निशान ग्रुप जेनियन पार्ट्स डब्बे में तो लिखा हुआ है। चलो इसको खोल के निकालता हूँ क्या सच में ओरिजिनल है या फिर ये डुप्लीकेट है। तो सबसे पहले ये पैकिंग के देख करके आपको कुछ ना कुछ तो दिल में समझ में आ गया होगा कि ये डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। अब ये रही कॉइल, इसको इसके साथ कंपेयर करके दिखा देता हूँ आपको। तो देख लीजिए आप क्या आपके हिसाब से आपके दिमाग में क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो फिर न्यू वाला मैं इवेपोरेटर कॉइल फिटिंग करता हूँ इसके बॉडी में। तो फाइनली इवेपोरेटर कॉइल न्यू वाला फिट हो चुका, ये सेंसर भी लगा दिया हूँ, तो चलो इसके ऊपर का कवर लगाता हूँ मैं। तो फाइनली इवेपोरेटर कॉइल, हीटर का पाइप यहीं से जॉइन से ही खोला था, बस जॉइन से लगा दिया। तो अपने को ये वाला लगाना है, तो फाइनली सब फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट डाल दिया हूँ, देख पा रहे हैं ये नीचे का सब फिट हो चुका है, ड्रेन लाइन वाटर पाइप वगैरह सब फिट हो गया है। तो चलो बाहर जरा भी दिखा देता हूँ मैं आपको। बाहर भी देख लीजिए, एक्सपेंशन वाल नया था, इसमें कंपनी के साथ ही आया था, और हीटर का पाइप ये रही, और ये वाला 10 नंबर, एक ये दो, एक किए रही तीन, तीन खोलना पड़ा था आपने को। तो चलो फाइनली सब फिटिंग करता हूँ और अंदर जा कर के फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो फाइनली क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बैठ चुका है और इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ब्रेक ऑयल देख पा रहे हैं, इसमें ही दिया है,
अंदर दिया है ये गाड़ी में, ब्रेक ऑयल का सिस्टम पूरा सब अंदर ही दिया है। तो चलो फिर अपन एंगल डालते हैं। इसमें एंगल डालने के बाद फिर फिटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। ये तो फाइनली फिट हो चुका है, तो एंगल डाल के फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली एंगल भी डाल चुका हूँ, देख पा रहे हो। तो चलो ये फिटिंग करता हूँ। ये फिटिंग करने के बाद फिर डैशबोर्ड डालता हूँ मैं। तो फाइनली डैशबोर्ड डाल चुका हूँ, देख पा रहे हैं। तो चलो अब सब फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करने के बाद फाइनल फिर दिखाता हूँ आपको। तो अंदर का लगभग तो सभी कुछ फिट हो चुका है, थोड़ा बहुत फिटिंग करना बाकी है। तो चलो फिर मैं बाहर प्रेशर मार के भी रख दिया हूँ। प्रेशर भी मार चुके हैं अपन 300 का। तो थोड़ी देर होल्ड रखता हूँ और अंदर का जब तक मैं फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आगे वैक्यूमिंग और गैस चार्जिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो अंदर का फिटिंग कर लेते हैं पहले। तो फाइनली इधर का सब मैं फिटिंग करता हूँ करके फिर। तो फाइनली सब कुछ फिट हो चुका, देख पा रहे हैं। तो ज़रा मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ। सब बराबर है, फिट हो गया। तो चलो ज़रा बाहर चलते हैं अपन। बाहर प्रेशर मार के रखा था, होल्ड है क्या नहीं देखते हैं। तो देख पा रहे हैं बाहर जितना प्रेशर मारा था उतना ही है। तो चलो ये प्रेशर मैं छोड़ देता हूँ इसको। जो है वैक्यूमिंग में लगा लेता हूँ मैं। तो गाइज ये मशीन के बारे में एक दोस्त कमेंट किया था कि इसका एक वीडियो बनाओ किस तरीके से बनाया गया है। तो गाइज इसको इजीली कंप्रेसर लेके आना मार्केट से और एक एंगल में फिटिंग कर देना। फिटिंग करके एक कैपेसिटर लगा देना और इसका टर्मिनल है यहाँ वायरिंग कर देना और दूसरा है उसका ऑन ऑफ स्विच लगा देना बस। बाकी सिंपल और कोई काम नहीं है इसमें। और चलो अभी मैं इसको वैक्यूम में ले लेता हूँ। तो 10 मिनट वैक्यूम होने देते हैं, 10 मिनट बाद फिर अपन मिलते हैं। वैक्यूमिंग का सिस्टम बता दे रहा हूँ आपको, इसको ऑफ कर देना और बीच वाली में कंप्रेसर में लगा दिया हूँ वैक्यूम लाइन में, और इसको ऑन रखना और जो कार के एडाप्टर में लगा है यहाँ से इसमें लगा देना। और जहाँ कंप्रेसर चालू करेंगे तो देख पा रहे हैं डाउन होते जा रहे हैं। तो चलो 10 मिनट वैक्यूम होने देते हैं, फिर 10 मिनट बाद मिलते हैं अपन। तो फाइनली अपना वैक्यूम कम्प्लीट हो चुका, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले बंद कर दिया, यहाँ से कंप्रेसर बंद कर देता हूँ, यहाँ से लाइन निकाल लेता हूँ वापस से इसको अब गैस चार्ज करने का। तो सिलेंडर में लगा लेता हूँ इसको ना। तो फाइनली फिट हो गया। अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ ये वाली लाइन, खुदा है, इसको टाइट कर देता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ और गैस का बाटला पलटी मार देता हूँ मैं। पलटी मार दिया। तो अब चलो सबसे पहले मैं गाड़ी अंदर से चालू करके आता हूँ, गैस चार्ज अभी करूँगा नहीं, सबसे पहले गाड़ी चालू करके आता हूँ। तो फाइनली गाड़ी चालू है अपनी, अभी साउंड सुन पा रहे होंगे। तो अभी गैस में ज़रा सा भी इसमें डाला नहीं हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा गैस इन करता हूँ मैं इनमें। जब कंप्रेसर चालू होगा तो आपको आवाज़ सुनाई दे देगा। तो चालू हो चुका कंप्रेसर, साउंड सुन पा रहे होंगे आप। इसमें बोनेट वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ये वाली ग्रिल रहती है, ये वाली ग्रिल रहती है, बोनेट वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है।
गैस फिल करता हूँ इसमें मैं, सिलेंडर से अपना गैस इसमें आ रहा है। आपको इसमें जो है ना रिटर्न लाइन चेक करना पड़ेगा और हीटर लिक्विड वाला लाइन, दोनों लाइन चेक करके गैस चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन नहीं है। इसमें आपको रिटर्न से और डिस्चार्ज से कंप्रेसर कितना गैस ले रहा है, कितना लिया हुआ है, उससे अनुमान लगाना पड़ेगा आपको। तो देख पा रहे अभी 30 पे है, और कोई कोई गाड़ी में RD बोतल के ऊपर ये तो देख पा रहे हैं, या फिर डिस्टिल लिक्विड लाइन में एक ग्लास दिया हुआ रहता है, उसमें आप गैस सर्कुलेशन जो होता है ना, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से गैस को आप इजीली देख सकते हैं। तो गैस फुल जब हो जाएगा ना, तो वो ग्लास में जो है ना है कोई बबल वगैरह आएगा नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वाइट हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल बोले तो पानी वाटर का वेपर कैसा होता है वैसा ही हो जाएगा, वहाँ पे कोई बबल वगैरह नहीं आना चाहिए, वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो समझ लो आपका गैस फुल चार्ज हो चुका है। तो चलो जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, यहाँ तो सब प्रॉपर हो गया मेरा, रिटर्न और डिस्चार्ज लिक्विड लाइन बराबर हो गया। तो चलो अंदर चलते हैं, कूलिंग कैसा हो रहा है। तो गाड़ी में अभी तो कूलिंग तो चिल्ड हो रही है, चिल्ड पन आ रहा है। तो गाइस कभी कभी आप अगर इवापोरेटर कॉइल लीक रहता है ना, तो आप चेंज करेंगे ना, तो गैस का स्मेल जो है ना जल्दी जाता नहीं है। तो ये काफ़ी देर, थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर या थोड़ी टाइम, कुछ पीछे से एक बार देख लीजिए कैसा दिख रहा है गाड़ी, देख लीजिए एयर कंडीशन का, एयर कंडीशन पूरा देख लीजिए आप इसका, इधर से एयर है, उसके बाद देख लीजिए सब वेंट कैसा है। तो इंडिया में लगभग इसका प्राइस 40 लाख के ऊपर सी ही है, न्यू वाला मॉडल 40 लाख के ऊपर सी है। तो चलो फिर आगे अपना चालू है, चालू करते हैं। दिन चालू रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर ये क्लियर होने लगता है। तो रियर एसी का देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दिया है रियर एसी, यहाँ से चालू करेंगे तब पीछे का जा करके एसी चालू होगा, देख पा रहे हैं। तो पीछे का एसी ये है, और वो सब वेंट जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है वो सब वेंट है, सब उधर से एयर आती है। इसका ब्लोअर मोटर यहाँ पे दिया हुआ है, इवेपोरेटर कॉइल यहाँ पे दिया हुआ है, और सीट भी काउंट कर लीजिए कितना सीट है। बाकी इसका एयर कंडीशन सिस्टम मस्त है, चिल्ड होता है तो कूलिंग बराबर हो रहा है। इसका हीटिंग सिस्टम भी है, ये आउटसाइड केयर का है, ये रियर फ्रंट डिफोगर का है। बाकी सब क्लियर ही है, सॉरी ये रियर डिफोगर का है, फ्रंट डिफोगर इसमें दिया है, बाकी सब क्लियर ही है, सब प्रॉपर हो गया। तो गाइज ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि बस यहाँ की गाड़ियों देखा देखो आप, और यहाँ पे किस तरीके से काम किया जाता है उस टाइप का आप देखें, और यहाँ पे कौन सी गाड़ी अवेलेबल रहती है। मेरे पास जो भी गाड़ी आती है मैं उस गाड़ी का काम करता हूँ, तो उसका वीडियो ज़रूर कैप्चर कर लेता हूँ, वीडियो ज़रूर बना लेता हूँ मैं। तो ताकि ये इसलिए बनाता हूँ ताकि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाए। और गाइज आप लोग तो सबसे पहली बात है कि कमेंट तो करते नहीं है, और जो भाई कमेंट करते हैं तो वो ऐसा कमेंट कर देते हैं कि उसको रिप्लाई करने का दिल ही नहीं करता है। तो कमेंट रिस्पेक्टफुली करें, ताकि रिस्पेक्ट जब सामने वाले को आप रिस्पेक्ट देंगे तभी फिर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। जाहिर सी बात है किसी को आप रिस्पेक्ट देंगे तो ही रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि आजकल के बच्चे को भी अगर आप रिस्पेक्ट से बुलाओगे ना तो आएगा, अगर थोड़ा सा उल्टा सीधा करके बुलाओगे ना तो आएगा ही नहीं, मतलब चल तेरी तो हल्ली वल्ली। तो वही चीज़ें हैं कि आप कहीं पे अगर कुछ चीज़ें चाहते हो, कमेंट करके पूछना चाहते हो, तो रिस्पेक्टफुली अगर पूछोगे तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको आपकी हेल्प करूँ, हो सके तो जहाँ तक मेरे से हो सके मैं वहाँ तक हेल्प करूँ, बस बाकी और कुछ नहीं। तो गाइस चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रही है, तो चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।